अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे भाई से कि जो उम्र से भी मुझसे कम है, यानी 26 ईयर ओल्ड है और बिजनेस भी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सामने। नाम आपका? मेरा नाम सदाकत अली। सदाकत अली भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका ऑफिस किस जगह वाकई है? सर, मेरा ऑफिस जो है ना, सियालकोट डस्का मॉडल टाउन में ऑफिस है, सिचुएटेड है मेरा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये जो कारोबार कर रहे हैं, एक तो पहले सिर्फ इसका नाम बता दीजिएगा और दूसरा ये बता दीजिएगा कि अर्निंग कितनी कर रहे हैं, ताकि एक फ्रेंड्स के जहन में यही क्वेश्चन होता है कि जो हम कारोबार करें उससे पहले हमें अर्निंग का पता चल जाए कि यार हम कर कितना पाएंगे, कमा कितना पाएंगे, इस हवाले से थोड़ा क्लियर। अच्छा सर, इसमें ऐसे है कि इसमें जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख से लेके 4-4.5 लाख जो है ना मेरी पर मंथ जो है ना इसकी अर्निंग होती है। ठीक है, और अब इसकी थोड़ी सी तफसील समझा दीजिएगा इस कारोबार की, कि कौन सा कारोबार है और किस अंदाज में कर रहे हैं। बेसिकली मैं एज ए आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है, और आर्किटेक्ट ही हूँ, ठीक है, बट इन शॉर्ट मैंने आर्किटेक्ट की डिग्री नहीं की हुई, ठीक है। इसमें ऐसे है कि मैंने इसका कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए थे, ठीक है, उसके बाद फील्ड में जाके मैंने वर्क किया, ठीक है, और प्रोफेशनली जो है ना मैंने इसको सीखा है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने कुछ थोड़ा सा जॉब किया, ठीक है, एंड देन मैंने फील किया कि क्यों ना इसको बिजनेस बनाया जाए और इसको बिजनेस लेवल पे लेके जाया जाए। कितनी देर का कोर्स किया आपने? मैंने ये 3 मंथ का कोर्स किया था। अच्छा। एक एंड जो सेकंड कोर्स था वो मैंने 4 मंथ का किया था। सही, तो ये जो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहे हैं पहले आप जी, जी। तो कितना अर्सा आपने जॉब की और किस किस जगह की? मैंने 4 साल जॉब की है, ठीक है। स्टार्ट जो है ना मैंने ये बैरियर टाउन से लिया था, सियालकोट से, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैंने झेलम से लिया, ठीक है, वहाँ पे किया जॉब, वो तकरीबन 4 साल का अर्सा जो है ना मैंने ऐसे कंप्लीट किया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने फील किया कि यार अब इनफ जॉब बहुत होगी, अब लोगों को जॉब देंगे, ठीक है, तो बस ये सब मिले कि मैंने स्टार्ट किया अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उन्हीं कोर्सेज की बेस के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के साथ पर कितना दे रहे हैं कि मैं जितनी उम्मीद भी नहीं था कर सकता। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो काम शुरू हो सकता है? ओके, देयर इज़ नथिंग टू रिक्वायर्ड फर्स्टली। ओके, जब आप जॉब करते हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्टली आपके पास ये जो 2 कोर्सेज हैं इनको जानना ज़रूरी होता है। अगर तो आपने ये किए हुए हैं, ठीक है, किसी अच्छे प्रोफेशनल अदारे से, अकेडमी से नहीं। सही, अकेडमी वाले जो होते हैं वो जस्ट समझ लें कि अर्निंग मनी, उनका बस एक ही मोटो होता है पैसे लो, ठीक है। उन्होंने बेस जो है ना वो स्टूडेंट को कभी नहीं देते, और जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो भी नहीं देते। उन्होंने बस एक बेसिक प्रोग्राम बनाया होता है, कुछ नोट्स बनाए होते हैं, उन्होंने बस वो क्लियर करवाने बच्चों को और उनका जो है ना बैच क्लियर कर देना होता है। बट आप अगर करना है तो आप किसी प्रोफेशनल अदारे से करें। आपका कोई इलाके में है प्रोफेशनल अदारा तो आप वहाँ से करें, ठीक है। उसके अलावा ये जो कोर्सेज हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑनलाइन कोर्स, प्रॉपर इसकी क्लासेस हुआ करेंगे डेली, ठीक है। लेकिन बाहर के कंट्रीज में तो इसकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, मैंने फील किया है कि क्यों ना हम इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कोर्सेज के नाम एक मतलब दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। एक 3 मंथ वाला आपने बताया, 4 मंथ वाला? यस जी। इसका जो पहला कोर्स है वो है ऑटो कैड। अच्छा, ठीक है, एंड द सेकेंड कोर्स वो है 3DS Max। ये बेसिकली दोनों जो कोर्सेज हैं ना, ये जो हमारी ऑटो कैड ऑटो डेस्क जो एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर जो है ना डेवलप किए हुए हैं, एक ऑटो कैड एंड जो सेकंड जो है ना वो 3DS Max। सही जी। उसके बाद ये बताइएगा कि आपने ये 2 कोर्सेज किए और जॉब करते रहे और फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जॉब जब आप करते थे तो इसमें सैलरी तकरीबन कितनी मिल जाती है? अच्छा जी, अच्छा उसमें ऐसे है कि जब आप स्टार्ट में जाते हैं तो इसकी सैलरी जो है ना 20,000 से लेके 40,000 तक स्टार्ट में रहती है। सही, ठीक है। वो ये है कि वो आपकी स्किल्स देखते हैं, आपको कितना प्रोफेशनली इस पर ग्रीप है, ठीक है। तो आप अच्छी ग्रीप रखते हैं तो आपकी सैलरी जो है 35 से 40 में भी जा सकती है। कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिसकी सैलरी 50,000 में भी पे करती हैं स्टार्टिंग में,
बट मैं आपको ग्रीन बाग नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? अगर आप इसको कर लेते हैं तो स्टार्ट जो है ना आप 20,000 से ले सकते हैं मिनिमम। अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मोस्टली जो लड़के यहाँ पे हमारे पास सीखते हैं, हमको उसको उनको यहीं पे रख लेते हैं जॉब के ऊपर, क्योंकि हमारा बेसिकली अदारा है प्रोफेशनल। हमारे अदारे का नाम है अरब एसोसिएट एंड आर्किटेक्ट डिजाइन स्टूडियो। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को यहीं पे सिखाते हैं और हमारे पास प्रॉपर जो है ना वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास काम आते हैं, लोगों के प्रोजेक्ट्स आते हैं, पहले हम उसको खुद करते हैं, उसके बाद बच्चों से उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा कि कौन कौन सी कंपनियां जिनमें ये जॉब मिल सकती है, किस तरह की कंपनियां? यस, आपको पता होना चाहिए हमारा जो फ्यूचर है वो नेक्स्ट जो जनरेशन है, ठीक है, वो मोस्टली जाएगी कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। फ्यूचर हमारा कंस्ट्रक्शन है। अभी आप देख लें USA है, अबू धाबी है, अब जिसको मिनी यूरोप बोलते हैं दुबई को, ठीक है, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन इन था तक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स को उसका फ्यूचर हमेशा है कंस्ट्रक्शन का। और ये हमारा सिविल लाइन में आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, और हमारे पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट हुई है। सही। और माशाल्लाह इमरान खान साहब हैं, कुछ वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद तो उनसे बहुत है, देखिए क्या करते हैं, बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। जिस तरह मैंने बोला हमने 50 लाख घर बनाने हैं, तो उनके लिए जाहिर सी बात है इंजीनियर की जरूरत पड़नी है, डिजाइनर की जरूरत पड़नी है, फिर उनको बनाने वालों की जरूरत पड़नी है। तो हमारा जो कोर्सेज है वो सारे इसी ही के रिलेटेड है। ये बताइएगा जैसे कि आपने बताया पाकिस्तान में अगर भी जॉब करता है 20 से 40-50 तक भी उसे सैलरी मिल सकती है, yes. लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाके यही जॉब करता है तो कहाँ तक उसे सैलरी मिल सकती है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन सर। अच्छा इसमें ऐसे है कि ये तो मैंने 20 से 40,000 तक बोला आपको पाकिस्तान में। अगर आप ये कोर्सेज करके बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आप बिलीव नहीं करेंगे वो लाखों में जाएगी, चाहे वो 1 लाख से कर ले या 1.5 लाख से कर ले। बिकॉज इसकी जो है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर भी, चूँकि मेरा चैनल है बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड, जॉब से ना मेरा जॉब के मैं थोड़ा मुखालिफ हूँ तो yes, लेकिन कोई भी बिजनेस है उसे थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो सारी बात है स्टार्टिंग में कोई जॉब तो करेगा लेकिन बाद में उसने आना बिजनेस की तरफ, तो कितना अर्सा वो जॉब कर ले तो आप समझते हैं कि सही वो प्रोफेशनल बन जाएगा? उस्मान साहब इसमें ऐसे है कि अगर बंदा किसी प्रोफेशनल अदारे से उसको सीखता है आई थिंक उसको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा। अब बात करते हैं कि उसने ये बिजनेस करना है तो उसके लिए जो ऑफिस बनाना है तो yes. कितना खर्चा लग जाता है ऑफिस बनाने पे? जैसे आपने ये माशाल्लाह खूबसूरत ऑफिस बनाया हुआ है तो इस पे कितना खर्चा लग गया? उस्मान भाई ऐसे है कि अगर तो आपने एक अच्छा प्रोफेशनल ऑफिस बनाना है फर्स्टली वो डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर, आप किस लेवल पे जाकर काम करना चाहते हैं। अगर तो आप लाहौर में काम करते हैं, ठीक है, उसमें ये है कि आपको जस्ट ऑफिस रेंट पे लेना है, आपको अपना ऑफिस नहीं परचेज करना, आपने रेंट पे ऑफिस लेना है, ठीक है, उसमें जस्ट पेंट करवाना है, उसका कुछ फर्नीचर लेना है, ठीक है, एंड आपको एक लैपटॉप की जरूरत है, एक प्रिंटर की जरूरत है, जस्ट शॉप आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरे पास अभी जो मशीनरी जस्ट पड़ी हुई है, जिस अभी इसका जो फर्नीचर पड़ा हुआ है जिस 4 से 5 लाख का पड़ा हुआ है, ये खाली जस्ट जो एक ये मेरे पास सिस्टम पड़ा है ये 1 लाख का जस्ट ये लैपटॉप है। तो ये मैंने पहले नहीं लिए, पहले मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप था, ठीक है, कोर्ट ड्यू, उसमें ना तो ग्राफिक कार्ड था, कुछ भी नहीं था, बट आस्ता 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 मैंने यहीं से अर्निंग करके अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है ना मामला किया। ये बहुत कंसेप्ट पाया जा रहा होता है कि जब बिजनेस की बात की जाती है ना वो कहते हैं कि जनाब बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो तभी हम शुरू करेंगे। अरे भाई ये जो आप चैनल देख रहे हो अभी माशाल्लाह 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, शुरू ये S3 मोबाइल से हुआ है, सिर्फ मोबाइल होता था उससे बस वीडियो शूट कर लिया और डाल देता तो लोग सुनते रहे हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बेहतरी आ रही है। तो इसी तरह आप छोटे लेवल पे शुरू कर लें, एक लैपटॉप जिस तरह बता रहे हैं लैपटॉप रख लिया जाए, थोड़ा बहुत और क्या चीज़ें बताइए? प्रिंटर की जरूरत है जस्ट, प्रिंटर, हाँ ये मामूली सी चीज़ें हैं, इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन इन भाई ने थोड़ा ज़्यादा अभी 4-5 लाख शायद बता देते हैं yes, अपने इन्वेस्ट पे इस पे किया है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने जस्ट फर्नीचर इसका बाई किया था और एक छोटा सा लैपटॉप लिया था, ठीक है, वो भी घर में यूज करा था, उसको ला दिया मैंने यहाँ पे रखा है। तो एक छोटा सा प्रिंटर जो 3.5 से 4 हज़ार का मैंने लिया था, एक ये रेंट पे ऑफिस लिया था, ये वही मेरा ऑफिस है जो मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा ये तो पहले आपने बताया सैलरी के हवाले से, अब ये बताइएगा कि बिजनेस जो आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं 2.5 से 3 लाख 4 लाख आप कमा लेते हैं पर मंथ,
तो क्या तरीकाकार होता है कि ये जो नक्शाजात बनाते हैं घरों के, तो ये तो मामूली 15 से 20 हज़ार में शायद नक्शा बना देते हैं या इससे कुछ कम भी ज़्यादा, तो किस तरह आप इतना करते इसमें उस्मान भाई ऐसे है कि जो हम स्टार्ट में एक आम घर का नक्शा बनाते हैं ना, ठीक हैं? है, उसमें दो तीन प्रोसीजर आते हैं। एक प्लानिंग का होता है, एक 3D एलिवेशन का होता है, एक डिटेल बुक का होता है, ठीक है, एक उसकी हमारी बल्दिया की ड्राइंग बनती है, ठीक है, इसको हम सबमिशन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, एक इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग बनती है, ठीक है, वो भी डिटेल के अंदर ही आ जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं हमने जस्ट प्लानिंग करवानी है, उसके हमने रेट्स तय किए हुए। अगर हम एक 5 महीने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, हमारा बेशक उसमें टाइम रिक्वायर्ड होता है 1 से 2 घंटा, बट उसका चार्ज करते हैं हम 5 से 6 हज़ार रुपया एक प्लानिंग का। सही, 3D एलिवेशन बनाना है, उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है 7 से 8 घंटे, लेकिन हम उसका चार्ज करते हैं 8 से 10 हज़ार। डिटेल बुक हमने अगर किसी के बना के देनी है तो उसके लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है 10 से 12 घंटे, लेकिन उसका हम चार्ज करते हैं 18 से 20 हज़ार। तो जब ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, कुछ लोग होते हैं गांव में छोटे मोटे, कहते हैं हमें जस्ट प्लानिंग कर दे, तो हम 4 से 5 हज़ार में उनको प्लानिंग दे के फ्री हो जाते हैं। अब हम डेली के, अगर हमारे पास अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेपुटेशन बनी हुई है, ठीक है, एक अदारे का नाम है, तो हमारे पास डेली क्लाइंट जो है ना 5 से 10 क्लाइंट आ जाते हैं इजीली, ठीक है। ये मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जब जिसने जिन्होंने जस्ट प्लानिंग करवानी होती है। सही, एंड कुछ क्लाइंट्स होते हैं कहते हैं हमें फुल डिटेल बुक चाहिए, और वो डिटेल बुक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 60 हज़ार में भी जाती है, कुछ 1.5 लाख में भी जाती है, कुछ 2 लाख में भी। ये मैं जस्ट आपको एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। अगर सपोज आपको एक मंथ में एक प्रोजेक्ट भी मिलता है, वही अगर सपोज आपको 1.5 लाख का मिल जाता है, आई थिंक आप उसमें जो ऑफिस के खर्चे वगैरह हैं वो 15 से 20 हज़ार निकालें, फिर भी आपको कितनी सेविंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो पर मंथ समय लेके अच्छा ये बताइएगा अब कि आपके जहन में जो जिस फील्ड में होता है उसे पता होता है कि मेरे कंपटीटर कौन है और ज्यादा अर्निंग कौन कर रहा है, तो आपके जहन में अभी यहाँ पे ज्यादा अर्निंग, ज्यादा से ज्यादा कितनी अर्निंग की जा रही है इसी कारोबार से? जी व्यूअर्स, ये तो उस्मान साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है, ठीक है, और इसका मैं बहुत डिटेल के साथ आंसर देना पसंद करूंगा। इसमें ऐसे है कि हमारी फील्ड के अंदर लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, वो लाखों में नहीं करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं। सही, वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने एक अपना नाम बनाया है, उनके अदारे का एक नाम है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब उन्होंने डिग्री नहीं की हुई, लेकिन डिग्री होल्डर उन्होंने हायर किए हुए हैं, सही, ठीक है। जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना काम है कि मैं खुद से अकेला बंदा नहीं कर सकता, सही, ठीक है, मैंने बंदे हायर किए हुए हैं, मेरा काम करते हैं मेरे ऑफिस में, ठीक है। पर सेम इसी तरह उन्होंने कंपनी बनाई होती है, उसमें प्लानर लैदा होता है, 3D वाला बंदा लैदा होता है, सेम मेरी तरह, ठीक है, इंटीरियर वाला लैदा होता है। ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, जब इसमें हम किसी चीज की 3D बनाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क होता है। कारोबार है भी इसी चीज का नाम, यस, उसको बांट के किया जाए, और जैसे तैसे बंदा उसमें इन होता है ना, तो उसे पता चलता जाता है कि यार कहाँ कहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय रख सकता हूँ और किस तरह अपने काम को बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह आप बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा अर्निंग भी की जा सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल भी करें, एक नॉर्मल बिजनेसमैन है इस फील्ड में, तो तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख इतनी अर्निंग नॉर्मली अर्निंग नॉर्मली। इसमें सबसे मेन थिंग जो है ये, मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने वाकई में ऑफिस बनाकर इतनी अर्निंग करते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फेसबुक का पेज बना के, ठीक है, उसमें आप बताते हैं, आपके सब्सक्राइबर होते हैं, अच्छे खास लाइक्स होते हैं, आप बताते हैं जी मैं ये काम कर रहा हूँ, नक्शा बना रहा हूँ, मैं ये बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन करता हूँ, एक्सटीरियर डिजाइन करता हूँ, तो आई थिंक अगर आप एक पोस्ट करते हैं उसमें से 1,000 लोग देखते हैं, तो उसमें से 20 लोग लाजमी आपको बताते हैं जी भाई जान मेरा भी नक्शा बना दें। ये आपकी जस्ट एक पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप सोचें आपको कितना बिजनेस मिलेगा। सही है, ये है सोशल, ये मीडिया का दौर है, आप प्रोफेशनली इसको जो है सोशलाइज पे जब जाएंगे तो अच्छी खासी नहीं करेंगे। कह रहा हम तो मैनुअली बस प्लस प्रोफेशनली सारे काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन रह गया हो तो वो नीचे कमेंट में कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम इनसे बनाएं तो उसमें उसे भी क्लियर कर सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकअल्लाह।